डियर स्टूडेंट्स, आज हम जो पेपर करने जा रहे हैं वो है साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन का सेकंड क्लास का पेपर है, SOF नेशनल साइंस ओलंपियाड का। तो बच्चे ध्यान से करना है, मैं बताऊंगा कैसे किया जाता है, ताकि आप जब पेपर में जाओ तो कोई गलती ना करें, ठीक है। तो फर्स्ट जो सेक्शन है बच्चे वो है लॉजिकल रीजनिंग। तो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। बच्चे जेकर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का बटन आ रहा है वो जेकर रेड है ना, तो उसको ब्लैक कर लो, क्लिक करके ब्लैक कर लो, वो बहुत जरूरी है। तो बच्चे शुरू कर रहा हूँ, देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, वो कह रहा है डैश इज नीडेड टू बाय द टॉय ट्रेन शोन बिलो। तो क्या चाहिए हमें इसको खरीदने के लिए? देखो टैग लगा हुआ है ना, तो इसका मतलब किया पैसे लगेंगे, 130 रुपीज लगेंगे। तो इनमें से किसकी काउंटिंग 130 बनती है बच्चे? तो देखो, तो 100 रुपी 5 रुपी नोट नहीं बनी, 100 रुपी नोट एंड 2 10 रुपी नोट नहीं बनी, 120 रुपीज बने हैं, 250 रुपीज नोट तो 100 बन गया, 3 10 रुपी नोट कितने बन गए 30, तो ये हो गया सी, 130 रुपीज बन गए हमारे, 130 रुपीज चाहिए थे तो वो ट्वाय हमारा हो जाएगा, तो क्या हो गया सी इज द राइट आंसर। सेकेंड है बच्चे, नंबर ऑफ पेंसिल्स इन ईच 3 इक्वल ग्रुप्स। तो 3 इक्वल ग्रुप्स बनाने हैं, 3 पेन का एक ग्रुप है, ऑफ गिवन पेंसिल्स, तो कितने ग्रुप बन गए बच्चे? तो देखो 1, इसके बाद ये बन गया 2nd 3rd 4th 5th, तो 5 ग्रुप्स बन गए हमारे, तो ए इज द राइट आंसर। थर्ड क्वेश्चन है, इफ रेक्टेंगल, देखो व्हाइट रेक्टेंगल है जो किसमें एम्बेडेड है, इसमें एम्बेडेड है, देखो यहाँ पड़ी है, ठीक है। तो इनमें से कौन सी फिगर है जिसमें ये एक्लिप्स पड़ा है हमारा, अंडाकार चीज पड़ी है, तो इनमें से सिर्फ ये वाला है जिसमें ये पिक्चर, हम कह सकते हैं ये वाला ये रहा, ठीक है, तो ए इज द राइट आंसर। फोर्थ है बच्चे, द गिवन फिगर शोज अ ब्लैक बॉक्स कंटेनिंग एन ऑब्जेक्ट। इसमें एक ऑब्जेक्ट है, कुणाल पुट हिज हैंड इनटू द बॉक्स, बॉक्स में हैंड डालता है एंड मेड द फॉलोइंग कमेंट्स। तो उसे क्या महसूस होता है? उसे महसूस होता है इट इज कूल, ठीक है, इट इज रफ एंड इट इज हार्ड। तो देखो इनमें से पहले तो हार्ड लेके चलते हैं, हार्ड कौन से है इसमें से? ईयर हार्ड नहीं होता, स्किन, टंग, नोज, इसमें से सबसे हार्ड है जो स्किन होती है, ठीक है, ये सभी क्या है, ये मुलायम होते हैं, स्किन रफ भी होती है और स्किन कोल्ड भी होती है, तो बी इज द राइट आंसर। फिफ्थ है, माई फादर्स नेफ्यू और नीस इज माई, माई फादर्स नेफ्यू और नीस इज माई कजन, ब्रदर और सिस्टर, राइट। तो देखो ब्रदर इन लॉ, आंट, अंकल, चेरा कजन, तो कजन आएगा, माई फादर्स नेफ्यू और नीस, ठीक है, मेरे पिता के भतीजे भतीजियां क्या लगे, मेरी ब्रदर सिस्टर्स लगे। वी वियर डैश क्लोज इन विंटर, विंटर में हम वूलन क्लोज पहनते हैं, यू नो सी राइट आंसर, वूलन क्लोज। Which part of the given plant make food? Kitchen of wood is called, कहाँ होता है? Leaf होता है ना बच्चे, तो देखो leaf क्या है, Q है, Q C है, so C is the right answer. Which of the following modes of transport is pulling by animals? Animal से चलता है, cycle animal से नहीं चलता, हम चलाते हैं टोंगा, animal से चलता है, ठीक है, jeep और car गाड़ी है जो इंजन से चलती है, तो बी है हमारा आंसर, आपने OMR शीट पे बी को टिक करना है। अब आ गया अचीवर सेक्शन, ये थोड़ा सा टफ होता है बच्चे। तो देखो स्टडी द गिवन फैमिली ट्री है, ठीक है, ये फादर है, ये मदर है, उनके ये 3 बच्चे हैं, ठीक है, वो कहता है ये मेल है, ये मेल है, ये फीमेल है, मेल है, ठीक है। तो क्या उसने आस्क क्या किया है, व्हाट इज द क्वेश्चन, हाउ मेनी नेफ्यू डज एक्स हैव, एक्स के कितने नेफ्यू हैं, ठीक है, नेफ्यू क्या होते हैं बच्चे, नेफ्यू नीस मतलब अपने भाई बहन के बच्चे होते हैं, ठीक है, तो एक्स तो जरा ये उसके एक्स के बच्चे हो गए, ठीक है, तो इसके भाई बहन के तो कोई बच्चा है नहीं, इसके भाई के एक एक बच्चा है, ठीक है, तो उसका एक हम कह सकते हैं नेफ्यू है, तो एक कहाँ है, 1 सी। स्टडी द गिवन फ्लो चार्ट केयरफुली इन विच ग्रुप पी क्यू आर एस, फ्रूट ऑफ कीवी, कीवी का फ्रूट है बच्चे, तो फ्रूट है राइट, राउंड है, ओवल है, ओवल है, ठीक है, कीवी ओवल होता है, इसमें वन सीड होता है कि मैनी सीड होता है, इसमें मैनी सीड्स होते हैं, सो डी इज द राइट आंसर।
तो जी आपका पेपर बच्चे ये है सैंपल पेपर कैसे करना है जी मैंने बताया है। आपके पास कोई ओरिजिनल पेपर है जो मेरे से आप करवाना चाहते हैं, मैं वो सॉल्व करके अपलोड कर दूंगा, ठीक है? तो मेरे को आप सेंड कर सकते हैं, मेरा मोबाइल नंबर है 9814 7 888 90। आप मेरे को उसकी पिक्स सेंड कर सकते हैं जी। कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, मैं उस कमेंट का भी आंसर जरूर दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपने सब्सक्राइब करके जरूर रखना है, क्योंकि मैं पेपर जो भी मेरे को मिलेगा मैं फिर डालता रहूंगा, तो आप मिस नहीं करने कोई भी पेपर, राइट? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।